संजय सरकार साहब 2023 में भी ऐसी चेतावनी सामने आई थी और उसके बाद हमने देखा था जबरदस्त हिंसा का दौर इसी रामनवमी पर। तब तो कोई चुनाव आयोग नहीं था जिसके सर आप लोग ठीकरा फोड़ देते। तब तो ममता बनर्जी की सरकार का काम था ना रोकना हिंसा, क्यों नहीं रोक पाए आप लोग? और अब एक बार फिर सीएम चेतावनी दे रही है कि दंगे हो जाएंगे। नहीं देखिए, पहले तो एक बात बोल रहे, एक अर्जुन चौरसिया बोल के एक आदमी खुदकुशी किए थे और मेरे बहन प्रियंका टिगरे हाईकोर्ट में चला गया तो उसको हत्या ही कर दिया गया था। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आई तो वहां पर देखो खुदकुशी किया था, सुसाइड किया था। तो इसको जवाब मिलना तो मिल गया था, जवाब मिलना तो मिल गया। ठीक है प्रियंका जी, एक मिनट सुन तो ली। संजय सरकार साहब मुद्दे पर बात कीजिए ना, रामनवमी पर दंगे ये आरोप लगा रहे हैं आप, ये चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी इस कारण हमने एक जिक्र किया था, देखिए रामनवमी के दिन में दो मतलब जो 2023 का घटना ये बंदूक लेकर खुलेआम घूरते हैं। अरे फिर वही तस्वीर आप दिखा रहे हैं, फिर वही तस्वीर दिखा रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना सरकार साहब। पुरुषोत्तम राम जी कहीं कहा है क्या? जवाब ही नहीं है। नहीं नहीं, रामनवमी के दिन में आप बंदूक लेके चलिए, पत्थर मारिए, आपको कोई दूसरे धर्म के ऊपर में हानि कीजिए, बोला है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी को हर सवाल पूछ रहा है, बोलते हैं हिंदू का मुद्दा उठा रहा है। हर्षवर्धन जी, अब हर्षवर्धन जी अब सवाल यहाँ पर ये है, ठीक है? नहीं, आप लोगों के पास मैं आ रहा हूँ ना, एक एक करके, एक दूसरे के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है, एक एक करके आपके पास आ रहा हूँ। अवसर दे रहा हूँ प्रियंका प्लीज हर्षवर्धन जी से मेरा प्रश्न है, मुझे प्रश्न पूछने दीजिए। हर्षवर्धन जी, होता है जाता है लेकिन रामनवमी के दिन बीजेपी, आप तीनों लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो आवाज आपकी डाउन करनी पड़ेगी। प्रियंका जी आपसे भी कह रहा हूं, सरकार साहब आपसे भी कह रहा हूं, प्लीज। रवि, हर्षवर्धन जी, अब सवाल यह है कि पॉलिटिक्स में ऐसे हमने बयान और ऐसा टकराव देखा, एक सरकार अगर चलती है, अगर वो पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक सकारात्मक संकेत जाता है। ये जो टकराव वाली स्थिति है, क्या ये ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकली इलेक्टोरली नेगेटिव साबित होगी या फिर इसमें कुछ उनको लाभ दिख रहा है? अगर हम मान भी लें कि ये टकराव हो रहा है और इसके कुछ अपने राजनीतिक लक्ष्य हैं। नहीं देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ममता बनर्जी को इसमें राजनीतिक तौर पर लाभ दिखता है। उनको लगता है कि जिस तरह की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये वो खुलेआम करती हैं, इसमें कोई छिपी बात नहीं, उनकी राजनीति इधर है। लेकिन जब हम कहते हैं कि क्या भाजपा सही कह रही है या ममता जी सही कह रही है या चुनाव आयोग कहां खड़ा है, आप रिकॉर्ड देखिए, था देश के हर हिस्से में चुनाव शांतिपूर्वक होने लगे। लेकिन जब से ममता बनर्जी आई है, पहले तो होता ही था कम्युनिस्टों के समय में, ममता बनर्जी के राज में भी, आपको 2019 का लोकसभा चुनाव याद करना चाहिए, विधानसभा पंचायत के चुनाव याज करने चाहिए। इसके उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सरकार साहब, एक एक करके प्लीज आप सब ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, अगर कोई दूसरा बोलता है तो एक की आवाज बंद हो जाती है, इस बात को समझिए। आप लोग इतने दिनों से डिबेट कर रहे हैं, सरकार साहब नहीं, हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए प्लीज। उतार के दो, हर्षवर्धन जी अपनी बात करें। भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव के समय में पिछली बार भी आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में देश भर में कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल से वो तस्वीरें हमने देखी, खूनी हिंसक राजनीति की। विधानसभा चुनाव में लोगों को वोट देने के बाद असम के धुबरी जाना पड़ा, भागकर अपना घर द्वार छोड़कर। और ऐसे में अगर राज्य की मुख्यमंत्री ये कह रही कि वो आएंगे, तुम बमबाजी मत करना, एनआईए वाले उठा ले जाएंगे, सबको जेल में डाल देंगे, रामनवमी पर ये होगा, तो कहीं ना कहीं डिजाइन दिखता है। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी इस डिजाइन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में ही सिर्फ हुआ, यूपी में भी कई जगहों पर हुआ, बिहार में हुआ, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कई जगहों पर रामनवमी के दौरान इस तरह की हिंसा की खबरें सामने आई। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, चुनाव में कहीं इस तरह की हिंसा की खबर नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं और मैं कहूंगा टीवी 9 इसको चेक करे। बिल्कुल सही बोला, इसके लोकसभा में इस तरह की हिंसा देश के किसी हिस्से में नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुई। लोकसभा चुनाव में इस तरह की हिंसा कहीं हुई? ठीक है, पंचायत ठीक है, ठीक है। संजीव कौशिक जी अब सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है, जब लेफ्ट का शासन था तब भी हिंसा,
ममता आई तब भी हिंसा, दूसरे बिहार जैसे राज्यों में स्थितियां बदली सरकारों के बदलने से, पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है? यही ममता जब विपक्ष में थी तो लेफ्ट पर ऐसी ही चीजों के लिए आरोप लगाती थी कि भाई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, अब उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप समाज को बांट के ऐसी राजनीति कर रहे हैं। चल क्या रहा है बंगाल में, ये कौन सी पॉलिटिक्स है जिसे बंगाल निकल नहीं पाया? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रियंका जी जितने साफ गोई और बेबाकी से उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन और रामनवमी के जुलूसों में यदि शस्त्र लेकर चलने की बात है तो ये हमारे परंपरा का हिस्सा है और शस्त्र पूजन भी परंपरा का हिस्सा है। अब ये उनको शायद जानकारी नहीं है कि संघ की पृष्ठभूमि वाले लोग भी शस्त्र पूजन करते हैं तो किस दिन करते हैं। दूसरी बात, हम आपके सवाल के जवाब पे आते हैं। देखिए, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुत कमजोर है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। पिछली बार के इलेक्शन में हमने देखा कि जब कभी भी वहाँ के विधानसभा का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और हिंसा भी हुई, जट जट की हिंसा हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ पहुंची, निश्चित तौर पर यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी उसका उसमें सफल होती हुई वो दिखाई दी। इस बार लोकसभा के चुनाव में सीटों के ऊपर जो निगाहें हैं, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आनी थी, पूरी कवायद उसी के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि जब तक वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होगी, जब तक ये मसले खड़े होकर के नहीं बताए जाएंगे और इनको लाया नहीं जाएगा बीच में, तब तक कम से कम बंगाल में तो एंट्री नहीं होने जा रही है। ठीक है।